नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ, ये कहानी जो है बहुत ही ख़तरनाक है और बहुत ही भयानक है। तो प्लीज़ जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो ये कहानी ना सुने और साथ में बच्चे इस कहानी को ना सुने। दोस्तों मैं अभी अकेला हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो चारों तरफ जंगल आप देख सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको वो जगह बताने वाला हूँ जहाँ पर आप दिन में भी दोपहर को नहीं आ सकते, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक होता है यहाँ पर। और ये जगह जो है काफ़ी डरावनी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं भी अकेला हूँ, इंसान है, डर तो लगता ही है थोड़ा। तो दोस्तों आज जिस जगह के बारे में बताने वाला हूँ, ये जो जगह है वाकई काफ़ी ख़तरनाक है। तो दोस्तों इस जगह पर रात को आना भी जो होता है बहुत ख़तरा होता है। तो मैं यहाँ पर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर रखवाली करने आता था खेतों में। तो दोस्तों हम मक्के की फसल बीजते हैं, ये कुआँ है और तो दोस्तों आज मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूँ काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी भयानक है। तो प्लीज़ कमज़ोर दिल वाले ना देखें, क्योंकि मैं अकेला आया हूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा डर सा फील हो रहा है। तो दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर हम मक्के की रखवाली के लिए आते थे, मैं और मेरे चाचा का लड़का थे। तो ये मटके वगैरह पड़े रहते हैं यहाँ पर, जब लोग मर जाते हैं तो उनके यहाँ पर वो बर्तन जो हैं भाते हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों होता है क्या है कि आज से 5 साल पहले की बात है, तो मैं यहाँ पर मक्के की खेती की रखवाली के लिए आया हुआ था। और ये जो पेड़ है, तो यहाँ पर मेरा सोने के लिए मैंने वहाँ पर तन बना रखा था, कि जैसे ऊंची जगह पर पहाड़ों में ऊंची जगह पर यहाँ पर सोते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जगह। तो होता क्या है, इस पेड़ के पास हमने तन बनाया होता है और कोई रात के 12 बजे का टाइम होता है और साथ में मेरे चाचा का लड़का भी सोया होता है। तो दोस्तों होता है क्या कि यहाँ पर आवाज़ सी आती है। ये जो नीचे इसका पेड़ है ना बांस का, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो ये बांस का पेड़ है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना ऐसी आवाज़ आती है, कोई लोहे की चीज़ को ज़ोर से पटका जाता है। और दोस्तों मेरी आँख खुल जाती है और मैं जाग जाता हूँ। तो जैसे ही मुझे यहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई चीज़ किसी ने यहाँ पर बर्तन फेंका है। और दोस्तों होता है क्या कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रात को 12 बजे के करीब ये जो कुआँ है, मैं कुआँ भी आपको दिखा रहा हूँ,
तो दोस्तों मैं काफ़ी अकेला हूँ यहाँ पर, मेरे साथ अभी कोई नहीं है, मैं अकेला ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। प्लीज़ आप अकेले वीडियो ना शूट करें, खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि एकांत जगह है। तो दोस्तों होता है कि ये जो कुआँ है, इस कुएं के पास से ऐसे लगता है कि यहाँ से कोई रात को ढोल बाजे और नगाड़े बजते हैं यहाँ से, और यहाँ से चलते हैं और ज़ोर ज़ोर से ऐसे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि भूतों की बारात आती है। तो दोस्तों ये जो कुआं मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये बारात रेगुलर आती है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो रहते थे सभी ने बताया है, और मैंने भी यहाँ पर इस चीज़ का एहसास किया है। तो होता क्या है कि वो सारे ही जितने भी ऐसे लगता है कि जो बारात थी वो मेरे जहाँ पर मैं सोया हुआ था बाँ के पास से गुजर रही थी, वो ऐसे लग रहा है कि वो मेरे आगे पीछे चारों तरफ घूम रहे हैं, और ज़ोर ज़ोर से मैं इधर नीचे देख रहा हूँ तो उधर थोड़ा नाले में, ये नाला है साथ में जहाँ मैंने बर्तन दिखाए, तो यहाँ नाले में ऐसे लाइट सी अजीब सी लाइट दिखे कि जैसे लाइट जलती है बुझती है, लाइट जल रही है बुझ रही है, और ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितने लोग यहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं उस वक्त बहुत घबरा गया था, बहुत डर गया था, और मैंने देखकर फिर अपना जो चेहरा सा जल्दी से कंबल से छुपा लिया, और मैं होता क्या कि मेरे साथ जो चाचा का लड़का सोया होता है तो मैंने उसको जगाने की कोशिश की, मगर चाचा का लड़का जो था सोया हुआ, उसकी आँख ही नहीं खुल रही थी, ऐसे लग रहा था कि उन सब भूत प्रेतों ने उसके ऊपर पता नहीं क्या कर दिया था जिसके उसकी आँख नहीं खुली। मैंने उसको काफ़ी देर तक जगाने की कोशिश की मगर नहीं जाग पाया वो। फिर लास्ट में मैं दोस्तों ऐसे एक दो घंटे तक तो मैं ये चीज़ देखता रहा, और मैंने कहा तो भाई भगवान ही है जो मुझे बचा सकता है। तो दोस्तों ये मेरी जो घटना थी, ये ज़िंदगी मेरे साथ पहली बार घटित हुई थी कि ऐसा मेरे साथ हुआ। और ये दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर भूत प्रेत की यहाँ पर बारात आती है। तो अगर आप यकीन नहीं मानते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं झूठ कह रहा हूँ, कभी भी यहाँ पर आकर देख लेना, क्योंकि दोपहर के टाइम इसलिए नहीं आया कि दोपहर में अच्छा नहीं होता, तो मैंने शाम का टाइम डिसाइड किया यहाँ आने का वीडियो शूट करने का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो अगर दोस्तों अगर आप भी ऐसा वीडियो शूट करते हैं तो प्लीज़ अकेले ना जाएं, क्योंकि ऐसी जगह जाना काफ़ी खतरे से खाली नहीं होता, तो इसलिए संभल कर रहें। और तो दोस्तों वो जो चीज़ मेरे साथ हुई उससे मैंने आज तक ही मैं उस चीज़ को नहीं भुला पाया हूँ। तो मैं अभी बताता हूँ आपको दोस्तों, ये यहाँ पर जो है सामने आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारे जो लोग मर जाते हैं उनके पत्थर रखे जाते हैं यहाँ पर। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, तो दोस्तों वो मेरे साथ जो पहली बार हुआ तो मैं काफ़ी घबरा गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अंदर एक, अब मैं जब भी आता हूँ तो मैं किसी के साथ नहीं आता हूँ, अकेला आता हूँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता इन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, ये एक हवा होती है जो आपको सिर्फ डराती है। तो दोस्तों क्योंकि आदमी जो होता है, आदमी के अंदर पांच चीज़ें होती हैं, पांच भूत होता है आदमी, और जो भूत प्रेत होता है वो एक हवा होती है। तो हवा का काम होता है, उसको शरीर चाहिए, आप डर जाते हैं तो वो आपके शरीर को यूज़ करता है, और इसलिए आप ऐसी, अगर आपके साथ ऐसी चीज़ घटना होती है तो आप
अकेली जगह पर जाते तो डरे ना, आप ज़्यादातर गायत्री मंत्र का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, और ऐसी जगह पर अकेले जाने का रिस्क न लें अगर आप दिल के कमज़ोर हैं तो। तो दोस्तों, ये जो मैंने जगह दिखाई है, यहाँ पर बारात वगैरह आती हैं और काफ़ी लोगों ने देखा है, मैंने भी इस चीज़ को देखा है। और मैं तो, मेरे तो खेत हैं ये जहाँ पर मैं खड़ा था, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर तक किसी के घर नहीं है, चारों तरफ जंगल है और पानी भी है यहाँ पर, नेचुरल पानी जो पहाड़ों से आता है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जो मैंने घटना बताई है यहाँ की, इस जगह की, तो मैं आपको थोड़ा और आगे बता देता हूँ। मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि इधर आगे पानी है, और दोस्तों पानी जहाँ होता है ना, यहाँ पर तेंदुआ भी आता है, खा जाता है, तो इसलिए पानी वाली जगह पर और जीव जंतु भी होते हैं जो पानी के पास बैठे रहते हैं, अजगर वगैरह भी बैठे रहते हैं, इसलिए ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये जो मैंने घटना बताई है, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।